बस सबसे पहले तो हम बहुत खुशी है कि आज हमारा ठोकरा का सॉन्ग थीम सॉन्ग लॉन्च हो रहा है। इतने सारे 46 इन्फ्लुएंस आज एक साथ है और सॉन्ग ही इतना धमाकेदार है, आपने देखा ही होगा जो लोग देखेंगे, और तो सोचिए टोकर्स हाउस में कितना धमाल होगा जब इतने इन्फ्लुएंस एक साथ होंगे। शूट में इतना मज़ा आ गया तो आप लॉन्च देखो क्या धमाकेदार होगा। एक्सपीरियंस ऑसम, बेस्ट एक्सपीरियंस, एंड थैंक्स टू पेन सिनेमा, महमूद भाई एंड डॉल, एवरीवन, थैंक्स फॉर एवरीवन, थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू एवरीवन। सुपर एक्साइटमेंट, सुपर। और गाना फाइनली सामने आप लोगों के आने वाला है, आ चुका है बल्कि आज, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है गाना। मैं बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि गाना देखें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं, क्योंकि ये एक आर्टिस्ट की जर्नी है, कैसे एक आर्टिस्ट ज़ीरो से एक स्टार बनता है, ये वो कहानी है। आपको इसके लिरिक्स में सब समझ में आ जाएगा कि लिरिक्स क्या आप बयां कर रहे हैं, एक आर्टिस्ट का जो स्ट्रगल होता है तो वो कैसे होता है। गाना जो है जन्नत के साथ आप या थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा। इट वाज वेरी नाइस, यू नो आई एम सो हैप्पी कि जन्नत गाना गा रही है और इतना अच्छा गा रही है फाइनली, क्योंकि शी इज़ अ गुड, वेरी वेरी गुड एक्ट्रेस, और उसके साथ साथ वो सिंगर भी है, तो मज़ा आ रहा है क्योंकि अभी उसने एक गाना किया था हमारे गाने से पहले जो कमर्शियल नहीं था, बट इसके बाद फर्स्ट टाइम वो कोई कमर्शियल सॉन्ग हमारे साथ कर रही है, तो आई एम फीलिंग वेरी लकी कि पहला कमर्शियल सॉन्ग जो जन्नत का रहा वो हमारे साथ रहा, मेरे साथ रहा, तो आई एम सो हैप्पी। और गाना बहुत अच्छा गाया जन्नत ने, बहुत उसको प्ले किया, उसको अच्छे से गाया निभाया, बहुत मज़ा आया। या तो बस इतना ही बोलूँगा मैं कि उड़ान ऐसी मारेंगे कि गिरेंगे ना हम, लड़ेंगे हम तब तक जब तक दम, पंगा ना लेना कोई, जड़ से उखाड़ देंगे इंसान के बेस में हम न्यूक्लियर बम। जिस डॉन के घर हम रहते हैं उसे टॉकर्स आओ सब कहते हैं, जिस डॉन के घर हम रहते हैं उसे टॉकर्स आओ सब कहते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब लास्ट, अभी तो काफ़ी बातें हो चुकी है, तो उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरे इस जर्नी में सबसे बड़ा हाथ महमूद सर का है, महमूद अली जी मेरे साथ है, और मैं चाहूँगा एक बार वो मेरे पास भी आए, और आई फील सो लकी जब वो मेरी साइड में खड़े होते हैं, तो ही इज़ माई यंगर ब्रदर, नॉट एल्डर, इज़ माई यंगर ब्रदर। और सबसे पहले मेरे टीचर हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया है, हमेशा बहुत सारा प्यार दिया है, मुझे सपोर्ट किया है, और इन्होंने मेरा टैलेंट पहचाना, मेरे साथ मुझे अपने साथ हमेशा के लिए जोड़ा, शुरू से रखा है, तो फाइनली हम इतना बड़ा चीज़ कर रहे हैं साथ में, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और ये खुद भी एक बहुत टैलेंटेड एक्टर भी हैं, बीच बीच में एक्टिंग आपको दिखेगी, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ इतनी तारीफों के बाद तो समझ लीजिए बहुत अच्छी एक्टिंग। और मेरे डैडी जी सतीश जी, जिनको मैं डैडी बोलता हूँ, ये हमारे प्रोड्यूसर हैं, ये हमारे साथ हैं, आई फील सो लकी, इतने बड़े बड़े लोगों का मेरे सर पे हाथ है। तो अब बाकी आपको गाना कैसा लगा आप ही बता देंगे। तो गाइज कीप वॉचिंग और प्लीज़ शेयर करो, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। सर फाइनली आपका ड्रीम कम ट्रू होने जा रहा है। हाँ जी, एक्साइटमेंट मतलब बता नहीं सकता हूँ, मेरे चेहरे से जाहिर होगा क्योंकि इतने बार मैंने मीडिया फेस किया हूँ, लेकिन इतना नर्वस नहीं हो रहा हूँ जितना आज हूँ, क्योंकि ये आज तक जितना भी मैंने किया एज एन प्रोड्यूसर एज एन डिस्ट्रीब्यूटर वो मेरे लिए रोज़ाना का काम था, मैं रोज़ाना सुबह जागता था शाम तक यही करता था, लेकिन डिजिटल दुनिया पूरी अलग है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरा एक अलग जर्नी था, तो मैंने सोचा जब डिजिटल पे जा रहा हूँ तो ऐसे लोगों के साथ शुरुआत करूँ जो डिजिटल पे वायरल है, जो डिजिटल के शाहरुख खान है, जो डिजिटल के अमिताभ बच्चन है, तो ये एक सपना मैंने टॉकर हाउस के रूप में देखा और डॉन की शुरुआत की। डॉन का मतलब वैसा वाला डॉन नहीं है, डॉन का मतलब है डिजिटल ऑनलाइन नेटवर्क। इफ़ यू वांट टू गो डिजिटल यू हैव टू ऑनलाइन, और इफ़ यू वांट टू ऑनलाइन यू हैव टू
टेक नेटवर्क सो डिजिटल ऑनलाइन नेटवर्क इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ डॉन एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग एवरीवन मेरी बैकअप टीम मेरी फ्रंट टीम फाइनेंशियल टीम और क्रिएटिव टीम तो सब ने मिल के ये एक सपना मैंने सपना देखा था लेकिन सब ने मिल के पूरा किया आई एम रियली वॉन्ट्स टू थैंक्स एवरीवन मैं सच बताऊँ ये तो फिर भी काफ़ी मीडिया बहुत टाइम से मतलब फ्रंट कर रहे हैं बट मैं पिछले 3 साल से मैं भी मीडिया कर रहा हूँ बट आज पहली बार आई एम फीलिंग नर्वस दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टूडियो में जाके डब किया था ना तो मैं तब भी नर्वस नहीं हुआ था बट आज मैं नर्वस हो रहा हूँ आई डोंट नो व्हाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दानी भाई एक 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 खाली दानी हाँ फ्रेम के आप आ जाओ अलोन अलोन ये हाँ पकड़ो ऐसे हाँ नीचे से देखना चाहिए पूरा गुड मुझे बड़ी खुशी हुई ये एक नया शो चालू हो रहा है टॉकर हाउस एंड सतीश जी और महमूद भाई मेरे दोस्त हैं और ये अबू धाबी में लोग सेट लगा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया शो होगा और टॉकर हाउस के लिए डॉन चैनल डाउनलोड करें सब्सक्राइब करें और टॉकर हाउस का मज़ा लीजिए यू विल लव इट दिस विल बी आउट ऑफ वर्ल्ड Best show it will be. And enjoy it. Enjoy it. Thanks. Pleasure. सबसे पहले आज जो है गाना लॉन्च होने वाला है टॉकर हाउस क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से देखिए मुझे जब महमूद जी ने मुझे कॉल किया तो इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट मुझे बताया और मैं चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो है जैसे मैंने इंतज़ार भी इसी वजह से किया कि हमारे देश में बहुत टैलेंट है म्यूज़िक में बहुत अलग अलग जॉनर्स है और फिल्म तो है ही हम फिल्म को बहुत प्यार करते ही है लेकिन उसके अलावा भी म्यूज़िक होना बहुत ज़रूरी है तो चाहे वो डिजिटल कंटेंट हो OTT प्लेटफॉर्म्स पे हो या इस किस्म का जो उनका बहुत अनोखा कॉन्सेप्ट है तो मैं एक्चुअली उसके लिए आया क्योंकि मैं टेलीविज़न से तो मैं इतना जुड़ा नहीं हूँ लेकिन मैं म्यूज़िशियन हूँ और इनके उस गाने को उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप उसको रिलीज़ करें तो उस गाने के लिए उस म्यूज़िक के लिए और दानिश ने कंपोज किया है ना और चिराग ने कोरियोग्राफ किया है तो टेक्निकली तो हम सब आर्टिस्ट हैं तो बस इनकी हौसला अफजाई करने के लिए मैं आया हूँ नहीं मैं तो ये कर मैं तो ये कर भी नहीं पाता कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते ये इससे अच्छा कर पाते हाँ ये है कि जब हम इनके पास गए इनसे रिक्वेस्ट की तब हमारी चीज़ रेडी थी और हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम इनसे कहे कि हमारे लिए कंपोज करें फिलहाल क्योंकि ज़मीन और आसमान का है ऊपर वाले ने इनको जो इज्जत दी है पिछले 2013 से जो रेगुलर उससे पहले से इनफैक्ट लेकिन हाँ 5 है लेकिन जो एक बूम किए इन्होंने और पीछे मुड़ के नहीं देखा तो आई एम रियली थैंक्सफुल टू हिम कि वो अपना टाइम निकाल के इस गाने को क्योंकि इन्हें पता था कि ये गाना OTT के लिए है इन्फ्लुएंसर्स का गाना है ना फिल्म से इसका कोई लेना देना है ना इतना बड़ा है उसके बावजूद भी ये इन्होंने कहा कि हाँ आई एम कमिंग आई एम रियली थैंक्सफुल टू हिम नहीं मुझे लगता है वो दौर अब आ गया है और हिंदुस्तान में वो एक टर्न अराउंड आ रहा है क्योंकि बहुत सारे म्यूजिशियन इस कंट्री में है और हर स्टेट में है और वक्त आ गया है कि जो लिसनर्स है उनका कनेक्ट डायरेक्टली कम म्यूजिशंस के साथ हो और हमारे एक्टर्स से हम बहुत प्यार करते ही है लेकिन
इस देश का म्यूजिशियन भी अब स्टार बनेगा, मुझे लगता है वो दौर आ गया। बिल्कुल। और मिथुन का पहला गाना मैंने कोरफ किया, डेब्यू एल्बम 2008 में मैंने कोरफ किया था। हाय, सॉन्ग की जब बात करते हैं, यू नो आज सोशल मीडिया का जमाना है, डू यू थिंक पहले जितना स्ट्रगल अब रह गया है सिंगर म्यूजिक को आगे बढ़ाने में? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल वर्ड से मैं इतना कनेक्ट नहीं करता, लेकिन मेहनत कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। वाह। पहले भी जितनी मेहनत लगती थी आज भी उतनी लगती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो माध्यम है, राइट? द मोड ऑफ कनेक्ट विल चेंज, बट द वे ऑफ कनेक्ट ऑफ क्रिएटिंग म्यूजिक और क्रिएटिंग एनी आर्ट फॉर्म, ये डांस क्रिएट करते हैं और पुटिंग टुगेदर अ प्रोजेक्ट फॉर समबडी लाइक महमूद जी, द पैशन, यू नो, दैट ऑलवेज हैज टू कम फ्रॉम विदिन ओनली। सो आई वुड एनकरेज पीपल टू कीप वर्किंग हार्ड, मेक यूज टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग आउट योर मैसेज, बट योर मैसेज हैज टू कम फ्रॉम द हार्ट। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अगर कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो आई थिंक इट शुड रिजल्ट इन बेटर क्वालिटी, और आई थिंक देर इज इनफ प्लेस फॉर एवरीबडी एंड अंडर द सन, क्योंकि देर आर सो मेनी लिसनर्स, हम लोग इतनी बड़ी आबादी है, इतना कंजम्पशन है। जब सावन और गाना.com के लोग मुझे मिलने आते हैं, द काइंड ऑफ नंबर्स दे टेल मी कि कितना म्यूजिक कंज्यूम होता है, तो इट्स आउटस्टैंडिंग कि इतना लोग म्यूजिक को कंज्यूम करते हैं, तो वी शुड गिव देम आउट मोर, दे टेल मी देयर इज मोर नीड। कल ही मुझसे मेरे दोस्त मोहित सूरी, पूरे दिन वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी इंतज़ार के लिए, और वो कंप्लेंट कर रहे थे कि मिथुन ज़्यादा काम नहीं करता, राइट? सो आई नीड टू वर्क मोर, ही नीड्स टू वर्क मोर, वी ऑल नीड टू गिव आउट मोर वर्क, बिकॉज पीपल आर हंग्री एंड दे आर वेटिंग। माई नेक्स्ट रिलीज इज मोहित सूरीज फिल्म कॉल मलंग, विच विल बी फॉलोड माई फर्स्ट प्रोजेक्ट विद YRF डायरेक्टेड बाई करण मल्होत्रा कॉल शमशेरा। थैंक यू सो मच। कवर कर दिया, चलो अंदर ढूंढ लेंगे। उसमें तो आपकी पिक्चर उस पर दिख गया है। दिख गया? हाँ। इधर ये इससे कवर हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है। हाय, हेलो। ओके, सो आर यू देयर? या ओके, सो हाउ वाज इट वर्किंग ऑन दिस सॉन्ग? सबसे पहले तो बताइए कितना एंजॉय किया आपने? It was very amazing shooting this song. It was very amazing. We had a lot of fun. And what about the shoots? Where has it been? Like, kahan pe hui hai? In mud mein. Mud mein, mud. Mud mein. So, kuch batana chahenge song ke bare mein? So guys, song bahut acha hai. Aap sabko bhi dekhna chahiye. And आप सबको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही सॉन्ग में हैं। बहुत अच्छा आया था। सैटरडे संडे आऊँगी एज मीन्स गिविंग देम सम टास्क विद आयान। Now a Russian film, okay. Best Friends. Okay, Best Friends. Besides that, any Bollywood film? Bollywood, I'm shooting for that now, for Dharma production. And even one Netflix film is about to release. Can I know which Dharma production best film? The name is Kargil Girl. Kargil Girl. Thank you.
इज़ भूमिका कलिता और मैं बेसिकली आसाम से हूँ बट राइट नाउ आई एम हियर एंड आई एम इन टॉकर हाउस एज अ कंटेस्टेंट. सॉन्ग वेल सॉन्ग इट्सेल्फ मतलब देख के ही पता चल रहा है कि वो कितना मज़ेदार है एंड 40 इन्फ्लुएंसर्स मतलब एक साथ 101 गाने पे इट्स रियली बिग थिंग एंड सारे फैंस के लिए एक पावर पैक होने वाला है क्योंकि सब लोग एक साथ एक वीडियो में आ रहे हैं एंड सेकंड थिंग इज़ ये बहुत ही खूबसूरत बना है एंड वी ऑल हैव वर्कड रियली रियली हार्ड एंड हमारे जो कोरियोग्राफर हैं उनके तो पसीने छूट गए थे हमें सिखा सिखा के एंड या सबके हार्डवर्क सबका मेहनत यहाँ पे दिखा है एंड दैट्स व्हाई इट हैज़ बिकम सो सो अमेजिंग और मुझे तो बहुत मज़ा आया देख के एंड या इट वाज अमेजिंग. वी हैव शूटेड दैट सॉन्ग ऑल ओवर द नाइट एंड इन बड में शूट हुआ था एंड बहुत ही मज़ा आया. हम लोग सिर्फ शूट ही नहीं कर रहे थे बल्कि हम लोग वहाँ पे मस्ती कर रहे थे इवेंचुअली एंड रियली इट वॉज़ रियली अमेजिंग पर क्योंकि हम लोग को ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं शूट कर रहे. सॉन्ग इतना अच्छा था कि हम लोग इन्जॉय कर रहे थे सॉन्ग को और रियली वी आर रियली हैप्पी दैट वी हैव डन द सॉन्ग एंड वी ऑल आर टुगेदर देयर. सो या थैंक यू थैंक यू. रेडी. हाय दिस इज योगेश शर्मा एंड जो ये सॉन्ग आ रहा है टॉकर्स हाउस का वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है एंड बहुत ब्लास्ट होने वाला है. आप लोग देखोगे तो लाइक आंखें दंग रह जाएंगी एंड फर्स्ट टाइम हो रहा है. बहुत सारे टिकटॉक स्टार्स फर्स्ट टाइम आ रहे हैं एक साथ एंड अभी टॉकर्स हाउस स्टार्ट हो रहा है तो लाइक मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ. आपको खुद ही पता चल जाएगा क्योंकि टॉकर्स हाउस बहुत जल्दी आने वाला है और बहुत सारे लोगों के आने वाला है. बहुत मतलब बहुत सारे लोगों के साथ आने वाला है और बहुत धमाल होने वाला है. सो वॉच टॉकर्स हाउस. रियलिटी शो है. बहुत मज़ा आया मुझे टॉपर हाउस का रियलिटी ट्रैक शूट कर. हाँ बहुत ऑसम सॉन्ग है. इतने सारे इन्फ्लुएंसर जो एक साथ है. मेरा फर्स्ट रियलिटी शो है तो ऑसम था. सो मच. मैं तो इतनी एक्साइटेड थी आज सॉन्ग रिलीज के लिए बट जब सॉन्ग आया तो मैं इतनी हैप्पी रही और शूट के और शो स्टार्ट होने के लिए भी एक्साइटेड. तो सबसे मिली है आप या फिर घर में पहली बार? सबसे नहीं, मैं सबसे पहले बार मिली. ओके सो एनीथिंग यू लाइक टू से टू योर फैंस? बस सपोर्ट कीजिए और थैंक यू. नाफी काम ना. अच्छा नाफी या यार बहुत शर्मिंदा. कम मुफु. ओके रेडी. हु इज आस्किंग द क्वेश्चन? एनीवन. ओके हाउ आर यू? Good baby, I thank you so much. आज जो थीम सॉन्ग लॉन्च होने वाला है क्या कहना चाहिए? थोड़ा सा गाने के बारे में बताइए और कैसा एक्सपीरियंस रहा शूट करने का? सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकर्स हाउस का ट्रैक है तो वो माइंड ब्लोइंग होना ही था और है भी.
और जब मैंने ट्रैक सुना था तभी मुझे लगा था कि ग्लैमर का तड़का तो लगने ही वाला है, और हम दोनों अगर ग्लैमर का तड़का ना लगे ईशान एंड प्रीति The experience was so awesome as always. The vibes are so good. Vibes तब भी अच्छी थी, अब भी अच्छी हैं, और I know अंदर भी vibes बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं. और इतने सारे TikTokers एक साथ, like 46 talkers एक साथ influencers. So of course मुझे एक experience था सबके साथ काम करने का. It was so good. Actually इसका जो concept है वो ऐसे है कि 40 इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सब एक साथ एक घर में रहेंगे, और एक घर में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें सबको देखने को मिलेंगी ऑफकोर्स. लेकिन आप देख चुके हैं कि टिकटॉक के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा धमाका कर चुके हैं सोशल मीडिया पे, ऑन एवरी प्लेटफॉर्म सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं टिकटॉक के या फिर यूट्यूबर्स हों वो सारे बहुत ज़्यादा धमाका कर रहे हैं. तो ये तो मतलब 46 टॉकर्स एक साथ एक घर के अंदर आने वाले हैं, तो मतलब आप सोच सकते हो कि कितना धमाका होने वाला है सोशल मीडिया पर. एक-एक की आईडी पे इतना धमाका होता है. अब ये देख लो 40 यानी कि 46 पीपल हैं वो एक साथ होंगे तो कितना धमाका होगा. स्टार्ट भी नहीं हुआ और न्यूज इतनी वायरल हो चुकी है. एग्जैक्टली सीजन 1 आने वाले हैं तो लेट. तो हम कह सकते हैं ये डिजिटल स्पेस का बिग बॉस हाउस होगा. सी कह सकते हैं, कहने में क्या जाता है. ऑफकोर्स वी कैन से इट्स बेटर देन बिग बॉस बिकॉज इट्स विद टॉप इन्फ्लुएंसर्स ऑफ आवर इंडिया. या लेकिन यू नो हम जब देखते हैं एक घर में जब दो अच्छे दोस्त या अच्छे कपल जाते हैं तो लड़ाई होती है आप दोनों के बीच में भी ऐसा कुछ. देखो झगड़ा तो टॉकर हाउस में ना हो कहीं भी हो दो लोग साथ में रहते हैं झगड़ा ऑफकोर्स होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशन नहीं होता. या एग्जैक्टली. और हेलो सर लड़ाई. So this is the thing. Yeah. Thank you so much. Hi.